गुड मॉर्निंग किड्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में बच्चों हमारा लेसन चल रहा है लेसन नंबर 14, द थर्स्टी एनिमल्स। तो चलिए बच्चों, अपना लेसन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, आपने अपनी बुक निकाल ली है, आपका लेसन नंबर है 14, द थर्स्टी एनिमल्स, पेज नंबर है 61। ऑलराइट, सभी ने निकाल लिया है। तो आपको याद होगा कि बच्चों, मैं इसकी रीडिंग कर चुकी हूँ आपको, आप सभी को उसकी स्टोरी बता चुकी हूँ, करवाई थी ना, और आपको होमवर्क दिया था कि आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख लीजिएगा, एक पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा और वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। आई होप कि आप सबने होमवर्क किया होगा, किया है ना सबने? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं इसके। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, Why were all the animals thirsty? तो आप आंसर लिखेंगे all the animals, यहाँ क्वेश्चन में से ही all the animals were thirsty because there is no water everywhere. ठीक है, क्योंकि पानी नहीं था। नंबर टू क्वेश्चन है, Who searched for water? तो उसका आंसर लिखेंगे आप, who की जगह लिख देंगे the parrot searched for water. All right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड शी फाइंड वाटर? इसका आंसर है, आप क्वेश्चन में से पहले लिखेंगे शी, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, एंड वाटर इन द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड शी ड्रिंक वाटर फर्स्ट? तो आप कहेंगे नो, शी डिड नॉट ड्रिंक वाटर फर्स्ट, ओनली आपको नो लगाना है और डिड नॉट लिख देना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डज द एलिफेंट डू? तो इसका आंसर है, द एलिफेंट थ्रोज वाटर ऑन एवरीवन, एंजॉय, उसने सबके ऊपर क्या डाला, पानी डाला था। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं आपके। उसके बाद देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो हम लोग फिल द ब्लैंक्स कर लेते हैं, इट इज वेरी हॉट इन द फॉरेस्ट, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉरेस्ट, ऑल द एनिमल्स आर थर्स्टी, तो यहाँ पे लिख देंगे थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासे। द पैरेट सिट्स ऑन द ब्रांचेस ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऑल द डैश स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द पॉन्ड, ऑल द एनिमल्स, ऑल द एनिमल्स थैंक्स द पैरेट। ठीक, उसके बाद में हु सेड द गिवन वर्ड्स, आपको बताना है कि लाइन किसने बोली है, वॉट शैल वी डू, ये शब्द किसने कहे हैं, लाइन ने, तो आप लिख देंगे लाइन सेड, यस प्लीज, ये कौन बोलता है, एवरीवन, सब लोग बोलते हैं, आई हैव फाउंड अ पॉन्ड एंड द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, ये कौन बोला, पैरेट सेड। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको टिक ऑफ करना है, व्हाट इज सन शाइनिंग ब्राइटली, क्या चमक रहा था, सन या मून, तो सन, हमने सन को टिक कर लिया है। नेक्स्ट है, वेयर डज द पैरेट फ्लाई, टू द एंड ऑफ द ग्राउंड, टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, उसका करेक्ट आंसर है टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, आपको याद जादू फिर से क्या क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, उसके बाद हु सेड दिस गिवन वर्ड्स करेंगे, और लास्ट में करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इस तरह से आपका लेसन में जितना भी काम है आप ये पूरा कर लीजिएगा। आपको अपना काम कंप्लीट रखना है ना, आप काम कंप्लीट रखेंगे तो आपके एग्जाम्स होंगे, टेस्ट होंगे, तब लर्न करने में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसलिए आप लोग अपना सारा काम कंप्लीट रखिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।